हम लोग ने क्लास स्टार्ट कर दी है। अब सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। सभी बच्चे अपनी कॉपी में यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं शिफ्टिंग, जैसे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का क्या कंसेप्ट होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या समझने के लिए है। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखिए व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड, आप लिख सकते हैं व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड, व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू अ न्यू पोजीशन, टू अ न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन है बच्चों, लेट्स से वो पोजीशन का नाम है ए, दैट इज एच कॉमा के। विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन आर ऑब्टेन्ड बाय रिलेशन। जो बच्चों आपको यूज करना होता है वो होता है x = x + h एंड y = y + k। तो बच्चों यहां पे स्मॉल एक्स वाई और कैपिटल एक्स वाई को आइडेंटिफाई करके रखिएगा, ऐसा ना हो आप उसको मिक्स कर दें। तो बच्चों ये कंसेप्ट कैसे वर्क करता है इसको आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको जस्ट अब बताना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करिए बच्चों, आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए आराम से। तो ये मैंने आपके सामने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, ठीक है। तो ये जो बच्चों अभी मैंने आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के दिए, दिस इज स्मॉल एक्स और दिस इज स्मॉल वाई, ठीक है। अब बच्चों आपको एक पॉइंट पी दिया है, उस पी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, और फाइंड करने के लिए यहां पर एक टेक्निक क्या यूज की गई है कि आपका जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट किया गया, लेकिन ओरिजिन को शिफ्ट करके एक नया पोजीशन दी गई है, उस नई पोजीशन का नाम है ए, जो है एच कॉमा के बराबर। तो बच्चों हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिन को किसी भी तरह से हम रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम ओरिजिन को के अबाउट अपनी एक्सिस को रोटेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं यहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो दिस विल बिकम कैपिटल एक्स इन कैपिटल वाई। तो बच्चों आपको जहां पर शिफ्टिंग की गई है ओरिजिन की, पहले ओरिजिन तो जहां था वो आपको समझ में आता ही है, लेकिन जहां ओरिजिन की शिफ्टिंग की गई है वो पॉइंट है आपका ए, और ए के कोऑर्डिनेट है बच्चों एच कॉमा के, ए के कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के, ठीक है। और आपको एक पॉइंट दिया है पी, पी के कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स वाई, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर हम पी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं स्मॉल एक्स वाई, तो वो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, वो डिफाइंड है अपने ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बच्चों जो ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस का अगर मैं नाम लूंगा तो वहां पे स्मॉल एक्स वाई का मतलब होगा, अगर मैं न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम लूंगा तो वहां पे कैपिटल एक्स वाई का मतलब होगा। तो बच्चों हमें क्या करना है कि हमें इस पॉइंट की जो लोकेशन दी है एक्स कॉमा वाई, वो अपने ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां पर ओ लिखा है उसके रिस्पेक्ट में दी गई है। लेकिन अब हमको क्या करना है, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये जो नया कोऑर्डिनेट एक्सिस बना है जहां पे लिखा है एक्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, उसके रिस्पेक्ट में इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं क्या होंगे। तो ऐसा बच्चों ऐसा कुछ किया गया है यहाँ पे। तो बच्चों आपको समझना होगा कि यहाँ का कंसेप्ट कैसे काम करता है, आप समझिए आराम से। सबसे पहले बच्चों अगर आप पी पॉइंट को इंडिकेट करें तो ये बच्चों पी पॉइंट है आपका जिसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स वाई। अगर आप स्मॉल एक्स वाई को इंडिकेट करना चाहते हैं तो वो मैं आपको इंडिकेट करने के लिए कुछ इस तरह से ड्राइंग बना के दे रहा हूं, उसको आप समझिए कि स्मॉल एक्स वाई तक अगर हमको पहुंचना है तो हम किस तरह से पहुंचेंगे। तो देखिए बच्चों मैंने अभी आपके सामने डायग्राम बनाया है,
कि अगर हम स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट पी ऑप्टेंड होगा एक्स कॉमा वाई। तो बच्चों पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई को ऑप्टेंड करने के लिए हम ओरिजिन से एक्स यूनिट चलेंगे अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस और स्मॉल वाई चलेंगे अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमको एक पॉइंट पी ऑप्टेंड हो जाएगा। ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों जो एच कॉमा के है, एच कॉमा के को जरा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां पर आपको थोड़ी सी अपनी मेमोरी शार्प रखनी होगी। अगर हम एच कॉमा के को देखना चाहते हैं तो कैसे डिफाइंड होगा एच कॉमा के? तुम कहोगे सर एच कॉमा के लिए हमने एक डायग्राम अभी जस्ट बनाया है जिसको हम रेड कलर से इंडिकेट कर रहे हैं। जब हम ओरिजिन से एच यूनिट चलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और के यूनिट चलेंगे अलोंग वाई एक्सिस, तो हमको ये पॉइंट ऑब्टेंड होगा एच कॉमा के। लेकिन बच्चों हमको जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं वो हमें जो शिफ्टेड ओरिजिन है जिसकी पोजीशन एच कॉमा के है उसके रिस्पेक्ट में निकालने। तो तुम कहोगे सर उसके रिस्पेक्ट में निकालने हैं तो वो तो होंगे कैपिटल एक्स, क्योंकि अगर हम सर उसके रिस्पेक्ट में देखना चाहें तो इसका मतलब हम क्या चलेंगे, हम ए से चलेंगे कैपिटल एक्स यूनिट अलोंग कैपिटल एक्स एक्सिस वाले के अलोंग और कैपिटल वाई यूनिट चलेंगे इसके अलोंग। तो बच्चों आपको ये बात देखिए समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि मेरे को पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने जरूर है लेकिन आपका जो शिफ्टेड ओरिजिन है जिसकी पोजीशन 0.0 से बदल करके एच कॉमा के हो गई है उसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में बताने हैं। तो बच्चों जो शिफ्टेड ओरिजिन है उसके अलोंग जो एक्सिस है वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, तो हमने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मैंने अभी इंडिकेट किए कि भाई पहले तो आपका ओरिजिन था तो आप स्मॉल एक्स वाई चले तो पी तक पहुंच गए, अब आपका ओरिजिन बदल गया है, अब आपका ओरिजिन ए पर है तो उससे जब हम चलेंगे तो कैसे चलेंगे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई चलेंगे तो हमको पी पॉइंट ऑब्टेंड हो जाएगा। अब आप ये बात समझ गए होंगे। अब आपको बच्चों यहाँ पे एक रिलेशन देखना है कि वो रिलेशन जो मैंने लिखा है क्या वो यहाँ पे सच साबित हो रहा है। उस रिलेशन को देखिए पहले आप यहाँ पे, तो आप कहोगे सर जो स्मॉल एक्स है वो क्लियर कट नजर आ रहा है कि वो कैपिटल एक्स प्लस एच के इक्वल है, आप देख लीजिए वो क्लियर कट नजर आ रहा है। और जो बच्चों स्मॉल वाई है वो क्लियर कट नजर आ रहा है कि कैपिटल वाई प्लस के बराबर है। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब बच्चों कि अगर हम एक्सिस का कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं एच कॉमा के पर तो इस तरह के रिलेशंस बनते हैं जिनको हम लोग क्वेश्चंस में यूज करके अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसको हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो बुक्स में लिखा रहता है, वो होता है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के। तो बच्चों ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का तरीका होता है, उसकी इक्वेशंस बनाने का वे होता है। कई बच्चे इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भूल जाते हैं लेकिन आपको ये भूलना नहीं है, अगर आप भूल जाएंगे तो एग्जाम में कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप भूल भी रहे हैं तो मैंने आपको उसको करके पूरा बताया है, आप उससे समझिए और उसको करने की कोशिश करिएगा एग्जाम में अगर ये आ जाए तो। इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस का ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस पे एक बेस क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम लोग को ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके अलोंग जो क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं डाल रहा हूं, जस्ट लिखना स्टार्ट करिए। तो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, ये है बच्चों। ठीक है, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, लेकिन ये कर्व की इक्वेशन कब निकालनी है, व्हेन द ओरिजिन, व्हेन द ओरिजिन इज ट्रांसफर्ड टू द पॉइंट, व्हेन ओरिजिन इज ट्रांसफर्ड टू द पॉइंट, पॉइंट है बच्चों वन कॉमा माइनस टू विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ
एक्सिस। तो बच्चों आपको क्या करना है कि ओरिजिन 0.0 से बदल करके कहां शिफ्ट कर दिया गया है, 1.-2 पर। अब आपको क्या करना है, इस नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी इक्वेशन बतानी है। तो बच्चों मैंने आपको क्या रिलेशन बताया था, मैंने बताया था x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h, और मैंने बताया था स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k, बताया था। तो बच्चों ये इक्वेशन जो अब आपको बतानी है, ये नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में बतानी है। बच्चों मैंने बताया था जब भी ओरिजिन शिफ्ट किया जाता है तो वो कोऑर्डिनेट होते हैं h, k। तो बच्चों आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि h की जगह 1 है और k की जगह -2 है। अगर आप इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x प्लस h इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y प्लस k, k की वैल्यू बच्चों मैंने पुट की। अब बच्चों आपको करना क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, उसको करने के लिए आप तैयार हो जाइए कि आप उसको किस तरह से करेंगे। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में x स्मॉल x को किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल x 1 में प्लस 1 में, और स्मॉल y को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल y -2 में। जैसे ही रिप्लेस करेंगे बच्चों, उसको सिंपलीफाई करने पर जो भी इक्वेशन बन करके आएगी वो किसके टर्म्स में होगी, कैपिटल x कैपिटल y के टर्म्स में, यानी कि स्मॉल x y किस में कन्वर्ट हो गए होंगे, कैपिटल x कैपिटल y के टर्म्स में। यानी कि अब आप वो जो इक्वेशन बता रहे हो वो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड हो गई है, जब उसका ओरिजिन शिफ्ट होकर के 0.0 से कहां चला गया है, 1.-2 के पास चला गया है। तो बच्चों आपको करना कुछ ही नहीं होगा, आपको ये जो इक्वेशन है वो लिखनी होगी, और इक्वेशन लिखने के बाद आप उसमें स्मॉल x को रिप्लेस कर देंगे इससे, स्मॉल y को रिप्लेस कर देंगे इससे, तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरी इक्वेशन में मैंने आपको रिप्लेसमेंट बैठा दिया, स्मॉल x का भी और स्मॉल y का भी। अब आप इसको चेक कर लीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, ओपन करिए। तो बच्चों जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी उसको मैं लिख देता हूं, द न्यू इक्वेशन ऑफ द कर्व, The new equation of the curve will be, क्या होगी बच्चों, ध्यान दीजिए, इसको सिंप्लीफाई आपने करना होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों इक्वेशन कुछ इस तरह से निकल करके आएगी, ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो बच्चों उसको आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से किया गया है। ओके, तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। और बच्चों अगर आपको किसी भी तरह से ये प्रूविंग नहीं भी समझ में आए तो चलेगा, लेकिन इस पे बेस क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम में, इसलिए आप इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। दिस इज द न्यू, अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने इस लेवल से स्ट्रेट लाइन सही ढंग से नहीं पढ़ी है तो मैं आपको उसको तरीका बता रहा हूं करने का, आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। चल, तो बच्चों सबसे पहले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रेट लाइन में ऐसा क्या था जो अभी हम लोग ने नहीं सीखा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ, हेडिंग डालिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हेडिंग डालिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या कंसेप्ट होता है, इसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, क्यों रहते हैं वो आज देखेंगे। सबसे पहले बच्चों इसमें आप लिखिए आराम से, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बच्चों L1 is equal to A1X plus B1Y plus C1 equal to 0 and L2 is equal to A2X plus B2Y plus C2 is equal to 0, ठीक है। तो बच्चों अगर हमें इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है तो कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ, आप इसको लिखोगे A1X plus B1Y plus C1 into bracket
ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चे हमने क्या किया, कंबाइन इक्वेशन करने के लिए हमने क्या किया है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मींस अगर आप इसको लिखना चाहें, मतलब L1 और L2 को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज L1 L2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे जब हम इसको ओपन करेंगे, अब यहां पे लिख भी लीजिए आप, ओपनिंग द ब्रैकेट्स एंड कंपेयरिंग, ओपनिंग द ब्रैकेट्स एंड कंपेयरिंग द टर्म्स विद द टर्म्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री या टू डिग्री, तो वो कैसे दिखाई देगी पता है बच्चों आपको। दिस इज, मैं आपको लिख करके बता रहा हूं, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों मैं यहां पर क्या समझ आ रहा हूं आपको कि यहां पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की मैं एक कंडीशन आपको बता रहा हूं, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैं नाम ले रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं अभी भी कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती है। अगर ओरिजिन से पास करेगी तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी टू डिग्री की, मेरी बात समझिएगा। अगर आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती है तो वो टू डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन होगी। लेकिन यहां पर जो आपने जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी है दोनों, वो दोनों ही स्ट्रेट लाइन अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ही ओरिजिन से पास नहीं करती हैं, क्योंकि ये y is equal to mx वाला फॉर्म नहीं है। तो बच्चों जब हम इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखते हैं तो कंबाइंड इक्वेशन इस फॉर्म में आती है जिसमें एक्स वाई के भी टर्म्स होते हैं, एक्स स्क्वायर के भी टर्म्स होते हैं, वाई स्क्वायर के भी टर्म्स होते हैं, एक्स के भी, वाई के भी और कॉन्स्टेंट भी टर्म्स होते हैं। तो जो इक्वेशन का फॉर्म आता है वो आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये फॉर्म आता है बच्चों। तो बच्चों अगर ये फॉर्म आता है तो ये फॉर्म अगर रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, तो आपको उसमें कुछ और बातें समझनी पड़ेंगी कि उसके अंदर क्या क्या बातें चल रही हैं। तो देखो बच्चों अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो इसमें इस टर्म की डिग्री कितनी है, टू। हर टर्म की डिग्री देखो कितनी है, टू। यहां पे भी देखो बच्चों एक्स और वाई को कंबाइन करेंगे तो डिग्री टू हो जाएगी, इसकी भी टू है, इसकी डिग्री वन है, इसकी डिग्री वन है क्योंकि एक्स और वाई के लौते टर्म है, इसकी डिग्री जीरो है क्योंकि वहां कॉन्स्टेंट है, तो कोई भी डिग्री नहीं हुई, जीरो। तो बच्चों हर टर्म की डिग्री अलग अलग है ना, तो हर टर्म की डिग्री अलग अलग होने का मतलब ही यही है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को। और बच्चों एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो अभी आपने बताई है, लिखी है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तभी रिप्रेजेंट करती है जब एक कंडीशन फुलफिल हो। क्या कंडीशन फुलफिल हो वो मैं आपको लिख देता हूं, इफ, ध्यान दीजिएगा कंडीशन, ये कंडीशन ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताई भी थी कि कोई भी टू डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है वो सभी कुछ रिप्रेजेंट कर सकती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, एलिप्स को, हाइपरबोला को, पैराबोला को, सबको रिप्रेजेंट कर सकती है। लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी जब ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर क्या हो, इक्वल टू जीरो हो, तभी ये रिप्रेजेंट करती है किसको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। इस बड़े से टर्म को हम लोग डेल्टा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा। इसलिए कहा जाता है कि एक टू डिग्री नॉन होमोजीनियस अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है और अगर उसका डेल्टा जीरो है तो वो 100% क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो ये बच्चों बात आपको
याद रखनी होगी, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मेरे ख्याल से अब आप सभी लोगों को ये कंडीशन हमेशा के लिए याद रहेगी, ठीक है। ओके, अब बच्चों हम लोग एक दूसरे कंसेप्ट की तरफ ध्यान देते हैं, और वो दूसरा कंसेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस बेटा बताइए। कंसेप्ट ये कर देंगे सर्कल का, कौन सा कंसेप्ट सर, रेडिकल सेंटर रेडिकल एक्सिस वाला। ओके वेट,